अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन आज हमारे पास टॉपिक है। चैप्टर नंबर 6 एंजाइम वाला हम डिस्कस कर रहे थे। एंजाइम कैसे काम करता है उसके बारे में हम दो मॉडल हमारे पास हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंजाइम सब्सट्रेट के साथ जब अटैच होता है तो फिर क्या होता है। व्हेन एंजाइम अटैचेस विद सब्सट्रेट अ टेम्परेरी एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। जब एक एंजाइम किसके साथ अटैच होता है, सबस्ट्रेट के साथ, तो एक टेम्परेरी आरजी सा एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम कैटलाइजेस द रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। अब एंजाइम जब सबस्ट्रेट से अटैच हो गया, ES कम्प्लेक्स बन चुका है, तो एंजाइम अपना काम शुरू कर देगा, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। आफ्टर इट, जब उसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, उसके बाद ES कॉम्प्लेक्स ब्रेक्स एंड एंजाइम एंड प्रोडक्ट आर रिलीज। तो ES कॉम्प्लेक्स जो पहले बना हुआ था वो ब्रेक हो जाएगा, एंजाइम अलहदा हो जाएगा और प्रोडक्ट अलहदा हो जाएगा। एंजाइम वैसे का वैसा रहा लेकिन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। क्या होता है कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलता है, ES कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज करता है, एंजाइम अलहदा हो जाता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इसी बात को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो हमारे पास E plus S